सेट करिए, आवाज सनसनाहट है। हेलो हेलो चेक, पतला करिए। हेलो 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 चेक, हेलो थोड़ा ढोलक पीछे हटी में लाते भैया। इधर का मौसम खराब हो रहा है। हेलो, क्या बात? अभी आप लोगों ने चेतना जी के द्वारा सुंदर सा कार्यक्रम सुना है। एक बात मिली है, बताओ कि सफलता महान होती है। सफलतम साधना से प्रतिभा महान होती है, और महान प्रतिभा ही कला की जान होती है। कला की शान से सुरीली तान होती है, सुरीली तान ही गाने की जान होती है। और मेरा एक बात और कहना है कि कदम कदम पर चलो ऐसे, कदम कदम पर चलो ऐसे कि निशान बन जाए, और काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए बन जाए। अरे जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। आपने सुभान अल्लाह, गीत पहले आया था कि भारत जी कैकेयी से कह रहे हैं कि आखिर आपके रहते हुए भगवान राम का वनगमन क्यों हुआ। और मैंने एक चीज बताई थी कि इसमें एक चीज आया है कि बहू रानी, बौ रानी, माता रानी, रानी देवरानी, रानी। और मैंने कहा था इस पर गौर करना, मन करना। लेकिन आपने बताया था कि कुलावा के मान तू काहे कटायो, पीस की तरफ। भैया देखो माइक में थोड़ी सनसनाहट आ रही है, थोड़ा साफ नहीं होगा। हेलो 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 हेलो, चलो कटपीस आपका बहुत बढ़िया आया है। फिल्म वाले कह रहे हैं अरे क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं तुम हमें क्या याद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल मुझे बर्बाद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। आया है गीत आपका,
के कैसे तुम कुछ दे दिया है तो क्या दान करोगे, क्या दान करोगे? जब सब कुछ दे दिया है तो क्या दान करोगे? अब जब बात दान की आती है तो एक प्रसंग मिला है, हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा, जब 60 बार सोना की बात आई तो राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा क्या कि ऐसे तुम्हें राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र से कहने लगे कि ऐसे तुम्हें मैं दक्षिणा भुगतान करूंगा। आपने कहा कैसे करोगे तो मैं बता रहा हूं कैसे करना है। तरीका, ऐसे तुम्हें मैं दक्षिणा भुगतान करूंगा, काशी में बिके तीनों ऋण मैं दान करूंगा, काशी में बिके तीनों मैं ऋण दान करूंगा। आए राजन, तुमको मालूम है 60 भार सोना और हमको बता रहे हो तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है तो क्या दान करोगे? तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, काशी में बिके तीनों ऋण दान करूंगा, मैं सत्य का पुजारी सम्मान करूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि मैं, मेरी पत्नी तारा और पुत्र रोहित कुमार तीनों बिक जाएंगे तो मैं भी तुमको सम्मान करूंगा। और ये उत्तर भारत के महान कीर्तनकार हमारे बड़े भैया आदरणीय करुणा चंचल जी, आप हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हैं, एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आपके महान। आदरणीय दादा करुणा चंचल जी, आप हरदोइया बाजार गंगागंज नगराम रोड लखनऊ से पधारे हुए हैं। ये 50 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे लिए 5,000 के बराबर है। अरे महाराज, यादाश्त बहुत तेज है। अभी हमने चेहरा देखा तो हमको याद आ गए, ओह ये दादा है हमारे, बहुत बढ़िया। आपके द्वारा 51 मुद्राएं हमारी ओर से हमारे लिए प्रदान हुए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और इसी क्रम में हमारे भैया पीयूष यादव एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ, आपके कर कमलों के माध्यम से 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है।
आपकी वकालत में समावेश दिन दूना रात चौगुने आप तरक्की करें, सिविल कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक का दौड़ा करें और जज जितने हैं सब आपके सानिध्य में प्रकट हो, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से क्या कहते हैं, चेतना जी जवाब सुनिए आप। किसी को कहते पढ़ाई लिखाई का मजा, के भोली भवानी लंका तुमने दान कर दिया। माता पार्वती कहते हैं भगवान भोलेनाथ से कि भोली भवानी लंका तुमने दान कर दिया, मुझे घर से कैसे स्वामी बेघर कर महाराज सोने का। तो बोले जोरदार, क्योंकि आपके हर पल हर क्षण जुड़ रहे हैं भगवान भोलेनाथ के रजिस्टर में। जाग रहे हो आप, साधारण नहीं जाग रहे हो, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही। आप लोग जागरण में बैठे हैं, कीर्तन का आनंद ले रहे हैं, मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ समस्त लोगों पर कृपा बनाएंगे। आइए आपके कटपेस की तरफ चलते हैं, गीत की तरफ। आपका गीत आया था और क्या, के मन कारे कारा की हमारा गोरी देख के जब से मुस्काइल दिलवा दिमाग को करे मैं आके चुराइल। तो ये ऐसे दिल है ले गए दिल
खींच के। अब चूंकि भोजपुर वालों की अपनी अलग बात हुआ करती है, लेकिन कीर्तनकार अगर ऐसे गाना सुनना तो महुआ चैनल देखो। और कीर्तनकारों की एक अपनी अलग तकिया कलाम हुआ करती है, किसी भी फिल्म पर आधारित अपनी कलम को चला देना। आपका वाकई जोड़ नहीं इस गीत में, बहुत बढ़िया आपने दिया था। गोरे गोरे चंदा मामा लकड़ी पे बैठा काला नाग, मुर्गे की बात दे मुर्गे की बात दे करम पहले नेज के दाग पड़ा काला, दाग पड़ा काला। चंद्रमा और गौतम ऋषि के बीच में आया है, दो तीन प्रसंग अलग अलग आए हैं, लेकिन देखिए जवाब। अब जब इंद्र ने चंद्रमा को मुर्गा बना दिया, अब कहा महाराज जाओ 12 बजे रात को कुकड़ुकू करो, रात में बजा है 12, बजा बता रहेगी बजा है 4, लेकिन ना। तो देखिए जवाब आप सुने। जैसन है धरती पे चंदा पे लगी गवा दागवा, जैसे धरती पे काला काला नाग उसी तरह चंद्रमा पे दाग। जैसन है धरती पे काला काला नागवा, वैसे ही चंदा पे लगी गवा दागवा। तो पाप तेरे बगिया के आयो है शीश के, महापुरुष देवेंद्र महाराजा इंद्र, अरे महापुरुष देवेंद्र तुम सबके बीच के। अरे एक चक्रवर्ती राजा और इतना घिनौना कार्य कर सकता है, देवताओं के राजा इंद्र इतनी बड़ी घिनौनी हरकत कर बैठे, तो इसलिए पंक्तियां कह रही मेरी। पाप तेरे बगिया के आयो है सीज के, महापुरुष भगवान श्री हनुमान जी पूरी राम सेना को अपनी पूंछ के बैरिकेडिंग में बैठाए बैठे हैं। अहिरावण विभीषण ने
अहिरावण ने विभीषण का भेष बनाया और भगवान श्री राम लक्ष्मण को चुरा के पाताल लोक लेके गया। तो हुआ क्या, विभीषण का रूप धारी धारी लियो पीर है, विभीषण का रूप धारी धारी लियो पीर है, गायब है राम लखन सेना अधीर है। विभीषण का रूप धारी धारी लियो पीर है, गायब है राम लखन सेना अधीर है। हनुमान जी महाराज पाताल लोक गए, पाताल लोक जाकर के राम और लक्ष्मण का पता लगाया और जब माता काली का भेष बनाया हनुमान जी ने तो अहिरावण को उसी जगह खत्म कर दिया। इसलिए कहना क्या, मारा है हनुमत ने उसी को है खींच के, महापुरुष देव तुम सबके हो। और लीजिए इसी जवाब पंक्तियों पर प्रसन्न होकर हमारे आदरणीय वकील साहब पीयूष यादव एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ, आपके कर कमलों के माध्यम से 101 पंडितों का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। आदरणीय वकील साहब को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए आप तीसरी जब टुकड़ा सुनिए आप, के बलि के कसाई माई फेंक दिया तो पानी के कसाई माई सातों ही लाल है, गंगा में गंगा माई डुबाई जो लाल है। जब पुत्र को फेंक दिया गंगा जी में तो हुआ क्या, देखते ही अब आप हमको ये बताइए कि कौन सी माँ अपने पुत्रों को फेंक देगी और पिता खड़ा होकर देखता रहेगा, नहीं हो सकता। देखते ही तरुण को अपनी आंखें मीच के महापुरुष देवे, महापुरुष देवे तुम सबके हो। ये तो आपके कटपीस और फुल गीत का यथाशक्ति प्रयास रहा। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए अब चूंकि जितने भी लोग बैठे हुए हैं कुछ और सुनाया जाए तभी चेतन नहीं आई। हालांकि यहां की कमेटी को मैं बार बार नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप लोग कीर्तन सुनते नहीं खाते हो। और क्या, अरे हमारे रायबरेली जनपद से ही कीर्तन का उत्थान हुआ है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और रायबरेली से कानपुर, कानपुर से मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर हुई है कीर्तन।
बस उन्हीं समस्त महापुरुषों के चरणों का मैं नमन वंदन करता हूं, प्रसाद लेकर आज इस मंच पे खड़ा हुआ हूं। तो त्रुटियां हुआ करती हैं, तमाम बच्चे हैं, सुधार हो जाएगा। हमारी आदरणीय बड़ी बड़ी हैं बहन चेतना जी, ये विदुषी महिलाएं हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कीर्तन गाना सबके बस की बात नहीं है। कीर्तन एक ऐसा शाब्दिक आनंद है जिस जो तन कीर्तिमय हो जाए वही कीर्तन है। इसलिए आइए एक फिर वालों ने गीत अपनी तरफ से गाया है, सुनेगा। कीर्तन कीर्तन का मंच होता है के कोई सजा दे कोई सितम कर। गोरे तन पे निखार आ जाए। तू जो हंस दे तू जो हंस दे अरे तू जो हंस दे बहार आ जाए। तू जो हंस दे बहार आ जाए मेरे दिल को बाहर आ जाए मेरे दिल को करार आ जाए। एक प्रसंग मिला जिस समय सागर का मंथन हुआ, जब हलाहल पिस निकला तो उसके साथ में अमृत भी निकला, और जब अमृत निकला तो उस अमृत के कुछ बूंद जहां जहां पर गिरे वहां चार कन्याओं का प्राकट्य हुआ। चार कन्याओं में एक कन्या थी जिसका नाम था कामोदा। आप लोग तो समझदार हैं, पढ़े होंगे। कामोदा नाम की कन्या भगवान विष्णु से प्रीत कर बैठी और उसने वरण करने का प्रयास किया। उसने सोचा कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री हरि से करूंगी, अन्यथा मैं कुमारी रह जाऊंगी। अब देखिए, कामोदा नाम की कन्या ने जब इतना बड़ा संकल्प किया तो उनको नारद जी ने बतलाया, कहा बेटी कामोदा तुम जाकर उस सरोवर के तट पर बैठ जाओ, वहीं पर भगवान विष्णु आएंगे और आप वहां उनको पहचान लेना और आप उनसे शादी कर लेना। अब जब वो कामोदा नाम की कन्या उस जल में गई, सरोवर के आधे आधे जल में खड़ी हो गई, तो कभी रोती है कभी हंसने लगती है। जब रोती है तो मुंह से स्वर्ण कमल निकलते हैं और जब रोने लगती है तो उन अश्रु नेत्रों से मुरझाए हुए कमल गिरते हैं। सुनेगा के
चल में गिरे नैनों के जल से तो होता क्या है सुनिया जल में गिरे नैनों के जल से कोटि कमल है तब खिल जाते करोड़ों कमल खिल जाते हैं जब रोने लगती है तो मुरझाए हुए कमल और जब हंसने लगती है तो स्वर्ण कमल जल में गिरे के जल से कोटि कमल है तब खिल जाते हंसी हसीना हंसी हसीना हंसी हसीना की है ऐसी स्वर्ण कमल है तब बन जाते क्यों पिरह में ये पिरहन उदासी हुई तो मन में क्या सोच रही हो लड़की चले के प्रभु जी प्रभु जी अवतार आ जाए मन में सोच रही है कि अगर प्रभु का अवतार हो गया तो मैं वरण कर लूंगी लेके प्रभु जी अवतार आ जाए मैं जो हंस दूं ये तो सदियों की बात थी त्रेता में देखे जब भैया ढोलक की चाटी बढ़ाइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप जब सुलोचना अपने पति का शीश मांगने रामा दल में आई अब वहां पर भी कठिन परीक्षा की घड़ी है सतोगुणी सतवंती सुलोचन देखो ऐसा है मेहनत अलग की चीज होती है और खगड़म भगड़म अलग की बात होती है इसको बेटा अगर लेना दूध बुकनू ले लेना थोड़ा कहना क्या सतो गुणी सतवंती सुनो चल रामा दल में है जब आई पति का सर जब मांगा सती ने तोरा
होगा इस चीज को तो माता अंजनी हनुमान जी से कही जा रही है, सुने आप लाल लाल फल समझ के कपि ने लाल लाल फल लाल है लीला। देखो कीर्तन एक शाब्दिक आनंद है, केवल लाल लाल आप देखिए लाल लाल फल समझ के कपि ने लाल लाल फल लाल है लीला। लाली फिर जब व्यथित हुई है सारे जग की जीवन मेरा बिस्कुट नोट कर नोट। अरे गर्भ के भीतर से बजरंगी मांग लाल लगोट। कहा मैया मैं पैदा नहीं होऊंगा। कहा बेटा क्यों? कहा मैं निर्वस्त्र हूं। तो गर्भ के भीतर से कभी मांगा कहां दियो लाल लगोट। ये किसी ने गाया है तो बात बस उधर ही से कि लाली फिर जब व्यथित हुई है सारे जग की जीवन लीला। अब जब सूर्य को निकल दिया चारों तरफ अंधेरा
अंधेरा हो गया। समस्त देव मंडल गए भगवान ब्रह्मा के पास, कहने लगे महाराज बचाओ, तुम ही बचाओ, ये अंधेरा कैसा हो गया। तो लाख विनती हमको कुछ और इनके बदले में मिल जाए। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं समस्त देव मंडल से, क्या कि तुझा कोई आहार आ जाए, तुझा कोई आहार दे दो, मैं सूर्य को छोड़ दूंगा, तुझा कोई आहार आ जाए, मैं जो हंस दूं सहारा जाए, लेके प्रभु की पर प्रसन्न होकर के हमारे आदरणीय वकील साहब दादा पीयूष यादव एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ, आपके कर कमलों के माध्यम से ये 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है और भगवान भोलेनाथ से मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं आपके और आपके परिवार के लिए। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए एक कट 20 बस 2 मिनट में सुनिए। भोजपुर वालों ने कहा कैसे कहा, अरे के जब से गए मेरे पिया परदेश में, जब से गए मेरे पिया परदेश में, तब से रहती हूँ बगली के भेद में, जब से गए मेरे पिया परदेश में, तब से रहती हूँ बगली के भेद में, ऐसे बाल बिखरा के ऐसे काजल लगा के ऐसे बाल बिखरा के ऐसे काजल लगा के अपने भैया से मना दीजिए, अब क्या बता दीजिए, अरे यादव जी को सैया बना लीजिए, ये गीत
हालांकि हम मंच से कई बार गा चुके हैं, लेकिन प्रयास ये हुआ कि या तो बाहुल्य एरिया है तो एक गीत अटैच कर रहा है, प्रसन्नता थी तो पंक्तियां आपके लिए मैं अपनी ओर से प्रसन्नता थी सुना दूं क्या? ऐसे बाल बिखरा के, ऐसे काजल लगा के, ऐसे बाल बिखरा के, ऐसे काजल लगा के अपने भैया से बता दीजिए। अरे यादव जी को सैया बना लीजिए, सैया बना लीजिए। अब उनकी बात हमने सुना तो हमारे दादा ने कलम उठाई, याद नहीं बजरंग बिगल जी ने उठाई क्या और लिखा क्या बताओ जल्दी। एक खमसा लगा है राजू भैया, तुलसी के राम तुलसी के चंदन में बंध गए, बलिदान में पावन गए, बंधन में बंध गए। तुलसी के राम तुलसी के चंदन में बंध गए, चित्रकूट के घाट पर अब है संतन की भीड़, अब तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक दे राम तुलसी के चंदन में बंध गए, और यदुनंदन पार्थ भक्त के बंधन में बंध गए, रघुनंदन भगवान राम रघुनंदन वृद्ध गीध के क्रंदन में बंध गए, बलि बांधने पावन गए बंधन में बंध गए। अब जब भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहां पहरेदारी करने लगे तो माता लक्ष्मी ने सोचा कि हमारे पति को कौन बंधन में बांध दिया, उस दुष्ट की खैर नहीं। नारद जी आ गए, नारद जी ने कहा देवी किस लिए व्यथित हो आप? कहा महाराज हमारे पति को बंधन में राजा बलि ने बांध दिया है। तो कहा एक काम करो, देखो युद्ध करना ठीक नहीं है, आप एक काम करो क्या, जाकर कल रक्षाबंधन का दिन है, एक रक्षा सूत्र ले जाकर के राजा बलि के हाथ में बांध दो। राजा बलि पूछे कि बहन क्या दो, तो आप कह देना हमारे पति को वापस। अब देखो यही से कलम क्या लिख रही, सुनिए आप। क्रोधित वेश में माता लक्ष्मी तो नारद जी समझा रहे हैं क्या कि ताजी के आवेश परिवेश सौम्य भेष में, देश ना विदेश देश शेष के विशेष, जहां शेष नाग रहते हैं वहीं पर है तुम्हारे पति पाताल लोक में, देश ना विदेश देश शेष के विशेष में, तो थाल मंगल सजा के कल रक्षाबंधन है, आप जाइए वहां पर थाल मंगल सजा के अपने भैया से दुआ कीजिए। और जब रक्षा बांधोगी आप तो कहेंगे कि क्या दू बहन, तो आप क्या कहना, अपने भैया से दुआ कीजिए तो फिर
सैया छुड़ा ली। बात यह है, ये है कीर्तन। राजा बलि को भाई बनाओ और अपने पति को वापस मांग लो, यह है चाणक्य की नीति। थाल मंगल सजा दे, अपने भैया से दुआ कीजिए, फिर भैया से सैया छुड़ा लीजिए। आइए, हमारी तरफ से यथाशक्ति सवाल और गीत थे। अब आ रही हैं आदरणीय चेतना आजाद जी, आप लोग इनके मुखारविंद से सुंदर सुंदर गीत सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।